यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बीते दिनों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों पर संगीन धाराओं के केस दर्ज किए गए, जिस पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि ऐसा ना किया जाए, क्योंकि इससे विश्वविद्यालय का माहौल खराब होता है। प्रशासन ने यकीन दिलाया कि छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन एक AMU छात्र तालिब अभी भी सलाखों के पीछे बंद है। उसको अभी तक जमानत पर छोड़ा नहीं गया। छात्र संघ के सचिव हुजैफा आमिर ने कहा कि लोग हिंदुस्तान का झंडा जलाते हैं, महात्मा गांधी जी को गालियां मारी जाती हैं, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगाए जाते, लेकिन AMU के छात्रों पर एक तरफा कार्रवाई की जाती है। AMU के छात्र आने वाले वक्त का मुस्तकबिल हैं। साहब, आपको मालूम है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, उसकी प्रोग्रेस जो रिफ्लेक्ट करती है देश की प्रोग्रेस पर, क्योंकि नौजवानों की ऊर्जा को सम्मिलित करके देश निर्माण की काम करते हैं कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे कि आपको मालूम है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अग्रिम पड़ती भी है, चाहे एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे रिसर्च की बात हो या एकेडमिक ग्रोथ की बात हो। आप देखिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के एनर्जीज को सिंक्रोनाइज करके, यहाँ के स्टूडेंट टीचर्स के पोटेंशियल को चैनलाइज करके हम लोग ने नेशनल बिल्डिंग का काम किया है। जो वाकया हुआ उसको लेकर दिया था और सारी डिटेल्स जो मैंने आपको भी बताई हैं उसके बारे में सब लिख के दिया था, और ये उनसे दरख्वास्त की थी, रिक्वेस्ट किया था सदर जमहूरी हंस से, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया से, जो भी विजिटर है हमारी यूनिवर्सिटी के, कि इसकी इंक्वायरी करवाएं। दूसरी बात यह कि डायरेक्टिव दें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, हिंदुस्तान में जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि वो देश को आगे बढ़ाते हैं।